भगवान की जय। बोल परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूजनीय माता जी की जय। पूजनीय गुरुकुल गुरुदेव की जय। हम सिद्धाश्रम की जय। हम सिद्धाश्रम साधक परिवार की जय। बोलो हरे हरे महादेव। आज महोदय के इस तीसरे सत्र के शिविर में, यानी तीसरी बार ये शिविर हो रहा है महोदय में, और मुझे बहुत आनंद लगा, मुझे बहुत आनंद हुआ कि राजू सोमनाथ ने मेरे से प्रेम तो किया है, शादी नहीं की। दीक्षा होने के बाद आदमी शादी युक्त होता है, और असली वनवास शादी के बाद ही आरंभ होता है। प्रेम करने से पहले कुछ नहीं, फूल देना जाना, हाथ पकड़ना छोड़ना होता है, लेकिन शादी होने के बाद असली वनवास स्टार्ट होता है, वो दीक्षा के माध्यम से। दीक्षा के बाद आप सब वनवासी है, अच्छी तरह जानते हैं, गुरु के पास, गुरु के साथ दीक्षा लेने के बाद वो उसी तरह होता है जिस तरह है। दुकान में कपड़ा रहा बहुत अच्छा लगता है, खरीद लेकर जब डालते हैं तो उसे धोना जरूर पड़ता है, और गुरु पहले दीक्षा देते शिष्य को धोना शुरू कर देता है, और उसका वनवास उस दिन से आरंभ हो जाता है। लेने से पहले कपड़ा दुकान में जब तक है बहुत सुंदर, नया कपड़ा जब तक रहे अच्छा टंगा हुआ, लेकिन वो तो उसे कपड़ा ही है, वो तो मैला है, तो उसको धोना ही पड़ता है। अब जब धोना शुरू हो जाता है तो शिष्य की कष्ट आरंभ हो जाते हैं, लेकिन धोना जरूर पड़ता है, ये गुरु का कर्तव्य। उसे स्वच्छ करना, उसे शुभ्र करना, उसे दिन ब दिन आगे बढ़ाना, उसके चमकाना, उसे चमकाना, ये कार्य है। तो हमने आज करार किया है कि राजू सोमनाथ जी से प्रेम हो गया है, विवाह उसी दिन होगा जिस दिन इस मौदा में वो कहेंगे कि मैं जीवन के साथ मैंने उनका प्रेम स्वीकारा है, और मैं भी ये चैलेंज स्वीकार करता हूं। अब रही बात यह मेरे और राजू सोमनाथ जी के बारे में ही है, ये हर जगह हुआ है, जहां प्रेम होता है वहां जगह होता है, चाहे गुरु गोरखनाथ जी हो, मत्स्यनाथ जी हो, चाहे राम भक्त हनुमान जी हो या रामचंद्र जी हो, चाहे कृष्ण हो या अर्जुन हो, चाहे भगवान नंदीश्वर हो या शिव जी हो, इन सभी में भी यही हुआ। ये पहले प्रेम करने लगते हैं, बाद में नंदीश्वर जी को बाहर रहना पड़ा, कोई तीसरा आदमी आके अटका गया। तो यह जो परंपरा है इस प्रेम के साथ आरंभ होती है तो ही फूलती फलती है। हम बहुत सारे शिष्य प्रेम करने से पहले छूट जाते हैं, मैंने उनको इसलिए माना कि वो उन्होंने प्रेम किया, दीक्षा नहीं ली, लेकिन ये कार्य इतना बड़ा किया। उन लोगों को बता दिया कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, लेकिन शादीशुदा से भी बढ़कर हूं, मैंने गुरु से प्रेम किया है, मैं पत्नी नहीं हूं, लेकिन पत्नी से भी बढ़कर हूं, मैंने वो कार्य करके बताया है। और ये करने के लिए धीरज चाहिए, समाज से न डरने की शक्ति चाहिए। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं कि उनका कार्य सफल हो, वे ऐसे शिविर और मनाते रहें, और इन हमारे दोनों को जुड़ाने का माध्यमिक काम करने वाले किशोर ओगले कहां भी है, ये काम ऐसे करके जुड़ाने का काम करके आप हट जाते हैं पीछे। तो उन्होंने वो कार्य कर लिया है। ऐसे बहुत सारे प्रेमी मेरे यहां हैं, आए छुटे गए फिर आए फिर छुटे, उसमें नंबर दो आता है हमारे गुल्ली जी का, जो अभी आपके सामने बैठे हैं, संगीत के माध्यम से मुझे कभी जुड़ते हैं, कभी छूट जाते हैं, कभी प्रेम उनका टूट जाता है हमारे से, लेकिन हम ऐसे बंदे हुए कि उनको छोड़ते नहीं, हो चाहे कहीं भी हो नहीं, यहाँ जरूर लाते हैं, क्योंकि गुरु ही वैसा होता है। तुम समझते हो कि हम इस जन्म में छूटे, उनसे छूटे, वो तो सात जन्मों तक तुम्हें धोते रहेगा, एक तुम एक बार दीक्षा तो लेके देखो, वो तुम्हें जरूर धोएगा, वो तुम्हें जरूर पहुंचाएगा। चाहे सीता ने उसके उस रामायण में वनवास अनुभव किया हो, लेकिन कृष्ण जन्म में वो इतना आनंद अनुभव किया कि उसके जीवन में कभी नहीं हुआ, वह उसके जन्म का था, क्योंकि रामायण में सीता को रामचंद्र ने उन सारी चीजों से धो दिया था जो उन्हें परिपक्व बनाना था, और कृष्ण अवतार में उन्होंने रुक्मिणी के रूप में इतना सुख सौभाग्य दिया कि कभी उनको कॉम्प्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कृष्ण ऐसे हैं। यही गुरु का कार्य होता है। गुरु से तुम दीक्षित हो जाते हो तो गुरु पहले तुम्हें धोने का कार्य इसलिए करता है कि तुम्हारे आगे के सात जन्म भी ऐश्वर्यवान हो, तुम्हारे सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, ये गुरु का कार्य होता है, वो धोता है तुम्हें जरूर, क्योंकि तुम्हारा अगले जन्म कोई अंधकार में न हो, और वही सच्चा गुरु होता है जो अपने शिष्य को ठेस ठेस कर चोट मार मार कर उसको दुरुस्त करता है, उसको उसमें उसके उस घड़े में कहीं ऐसी चोट ऐसी नहीं रखता जिससे पानी बह जाए, वो चोट जरूर करता है,
और यह चोट करने वाला ही गुरु है, और उसको चोट न सहन करते हुए भागने वाला वो शिष्य नहीं है। और जो चोट सहन करते हुए कहता है कि यही मेरा गुरु है और मैं इसके साथ रहूंगा, वो जरूर एक दिन ऐसा घड़ा बनेगा, वो अमृतमय घट बनेगा। क्योंकि मैं उसका इसका उदाहरण जाना नहीं, मैं आपके सामने मैं बैठा हूं। मैंने बहुत बार ये बात आपसे कही है कि गुरु के साथ खाता जोड़ना उसी तरह का एक कुम्हार के साथ सामने एक मिट्टी का ठेला ले जाना। इसे कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कुम्हार है, वो मट्टी को खुंदल के मट्टी को घट बनाते हुए बार बार चोट करते हुए हड्डी बनाता है, अमृत घट बनाता है, और शिष्य को भी गुरु उसी तरह बनाता है और उस घट में अमृत भरने का कार्य करता है। यह कार्य देवता और भक्त में, गुरु और शिष्य में, पत्नी और पत्नी में, और पुत्र और पिता में, यह कार्य हरदम चलते रहता है। लेकिन थोड़े लोग ही विरले होते हैं जो आखिर तक टिक के रहते हैं, और थोड़े लोग होते हैं जो बीच में हट जाते हैं, उनका कहीं ठाव ठिकाना नहीं रहता। उनको कहने के लिए नेता कि तुम किस वंश के हो, उनको कहने के लिए नेता कि तुम किस गुरु से संबंधित हो, किस कुमार से जुड़े हुए हो, किस देवता से जुड़े हुए हो, ये उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रहता। और जो दावे के साथ कहता है कि मैं इस गुरु का शिष्य हूं, तो उसका आगा पीछा अगर वो दरिद्र हुआ, गरीब हुआ, तो उसी गुरु का बदनाम किया जा सकता है। लेकिन तुम चार गुरुओं के पास घूमते हो और कहते हो दरिद्र हो, तो तुम्हें ये कहने का अधिकार नहीं कि तुम किस गुरु के पास जाकर भड़े या किस गुरु के पास जाकर घटे। एक गुरु को कभी अपना कर तुम देखो और जीवन में उसके साथ जुड़ के रहो। समाज तुम्हें ये कहेगा, तुम्हारी गलती कभी नहीं कहेगा। तूने उस गुरु को विश्वास किया था और तुम खराब हो गया या तू अच्छा हुआ, तो उस गुरु के विश्वास पर कहेगा, गुरु का नाम लेगा, तुम्हारा नाम नहीं। अच्छा भी हुआ या बुरा भी हुआ, लेकिन जुड़ने की प्रक्रिया आप करनी चाहिए। आप जुड़ते नहीं हो, आप दो दो मिनट का अपने गुरु को बदलते हो, इसे आप कहीं के नहीं रहते। महानदी केवल उसी को कहते हैं जो समुद्र में जाकर मिलती है। जो समुद्र में नहीं मिलती उसे महानदी नहीं कहा जाता, उसे छोटे छोटे झरने कहे जाते हैं। उसे फिर बाद में आकर फिर उसी नदी में मिलना पड़ता है, नदी से समुद्र में जाना पड़ता है। हमें महानदी बननी है, और महानदी बनने के लिए प्रवाह में चट्टानें आती हैं। बहुत से लोग बांध देते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी नदी को पहुंचना होता है अच्छा पानी बांटते हुए, और अच्छा पानी बांटने के लिए चोटें सहनी पड़ती है, और यही चीज का कर्तव्य होता है। चोट सहने में, निंदा सहने में ही गुरु का, गुरु और शिष्य का संबंध श्रेष्ठ होता है। इसलिए गुरु जी ने बार बार कहा है कि तू मेरे लिए निंदा सहकर तो दे, मैं तुझे सारे संसार में श्रेष्ठ न बना दूं तो कहना, मुझे तू मेरे लिए कुछ बन के तो दे, चाहे मेरे लिए भिखारी बन या चाहे मेरे लिए धनवान कुबेर बन, तू बन के तो देख, मैं तुझे संसार भर में प्रसिद्ध से के ऊपर नहीं बना दूं तो करना, तू मेरी सेवा करके तो देख, तुझे संसार के गुलामी से छुड़ा दूं तो न कहना। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैंने गुरु की सेवा की है, मैं आज किसी का गुलाम नहीं और नहीं रहना चाहता भी, और आपको भी चाहता हूं कि आप गुलाम किसी के ना बने, आप गुरु के साथ जुड़े। जो शिक्षा मैंने दी है वही शिक्षा मैं आपको देता हूं, जो मैंने किया है वही कार्य आपको कह रहा हूं। मैं आज राजू सोमनाथ कोई नहीं या यहां किसी भी, यहां के जितने भी साधक हैं उनसे कहता हूं, हम आज एक कदम गुरु के सामने डाले हैं तो कल दो कदम आगे डालें, लेकिन दो कदम पीछे ना डालें। चाहे उस दो कदम आगे डालने में हमें कितने कांटों को सहना पड़े, चाहे अग्नि पर पांव रखना पड़े, अगर तुम महान बनना चाहते हो, अपने गंतव्य को प्राप्त करना चाहते हो, अपने गुरु का कार्य करना चाहते हो, तो आज एक शिविर किया है तो कल दो करो, कल दो के चार करो। मैंने ये कार्य किया और आज आपके सामने यहां बैठा हूं, तो यह कार्य केवल गुरु का है, गुरु ने कहा है, बहाना शिविर का है, मैं तुम्हारे साथ बंधा हूं। और जब गुरु बंधे हुए होते हैं तो हम कभी भी महान बनते हैं, हम कोई आगे पीछे नहीं जाते, हम पीछे नहीं हटना चाहिए। हम गुरु से प्रेम करने को, गुरु से श्रद्धा करने को, गुरु से जुड़ने के लिए, चाहे इसमें कुछ भी हो, आप आपके घर के माहौल को भी जानते हो, समाज को भी जानते हो। एक समाज में घर बांधे हो तो चार लोग चार तरह के बाजू में खड़े हुए लोग बोलेंगे। घर में पत्नी भी बोलती है, बेटा भी बोलता है, भाई भी बोलते हैं, मां भी बोलती है, लेकिन फिर भी उनके साथ जुड़े हुए हो। क्या यह कार्य आपके गुरु के साथ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? कि आपने माँ बाप को छोड़ना मंजूर कर लिया है। पत्नी अच्छी आ गई तो माँ बाप को छोड़े, माँ बाप अच्छे आ गए तो पत्नी को छोड़ दिए। ये आज का जमाना हो गया है। और जब तक हमारे में जुड़ने की प्रक्रिया नहीं आती, तब तक हम कुछ साधते नहीं। पहला इसीलिए
हमारे पास संस्कार जो थे, संस्कार में कहा जाता था कि चाहे पत्नी से जुड़ के रहो, माता पिता से जन्म लिए हो, तो माता पिता की पूजा, पत्नी की पूजा, पति की पूजा करते, पूजा नहीं पांव पड़ना नहीं है, पत्नी के साथ प्रेम करते रहना, नहीं तो पांव पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। वो गृह लक्ष्मी है, इस कारण से पांव पड़ने लगेंगे तो सर पे मारेगी, आशीर्वाद देने की प्रक्रिया होगी। आप ऐसा मत करना, प्रेम करना उतना ही, ऐसा नहीं कहना कि पत्नी को भी पांव पड़ने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, पत्नी भी उतना ही प्रेम करे, पति भी उतना ही करे, दोनों पांव एक के पकड़ के खींच रहे हैं, मेरे पास पूरे केसेस ऐसे ही है, पत्नी पांव का, पति का पांव खींच रही है और पत्नी पति का पांव खींचता है, इस तरह मेरे पास रोज केसेस है। मैं इसलिए तंग हूँ कि आखिर गुरु जी ये शिविर के स्थान में मुझे गुरु क्यों ने बनाया, मैं रोज यही किसे सुनता हूँ, कोई आध्यात्म के लिए मेरे पास नहीं आता, आता है केवल पति पत्नी के झगड़ों के लिए, बच्चों के झगड़ों के लिए। प्रभु ये ऐसे कितने दिन गुजारना होगा, इसलिए कहता हूँ कि शिविर के माध्यम से आप कोई अध्यात्म का ऐसा कार्य करो, ये छोटे छोटे कार्य। मैंने आपको कहा है कि आपकी पत्नी आपकी बात नहीं सुनती, बेटा आपकी बात नहीं सुनता, तो वो देवता क्या बात सुनेगा जो आप साधना करना चाहते हैं? कब देवता आपकी पुकार देवता तक पहुंचे? हम साधक बने, गुरु जी बार बार कहते थे कि साधना के मान से हम सब कुछ साध सकते हैं संसार में, ऐसा कुछ नहीं कि हम साध नहीं सकते। रिसेंट एक छोटी सी बात हुई, हमारे शिष्यों में आके लोग बैठे 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 बातें करते रहे, बातें करने के बाद गुरु जी ये बहुत असंभव कार्य है, बोले मेरा क्या ये गुरु जी आज तक ये जो टकले हो गए हैं उनके सर पर बाल नहीं आए आज तक, ये संसार का सबसे असंभव कार्य, आज तक कोई भी बाल नहीं हुआ सका। मेरा दिमाग घूम गया, बोला ऐसा क्यों होता है? मैं सच्चा मेरे गुरु का शिष्य हूं तो टकल पे बाल ला के बताऊंगा, और मैंने दवाई बनानी शुरू कर दी, पहले से जिद्दी आदमी हूं, जरा जरा जिद बहुत से करता हूं, और बोलने लगे गुरु जी सफेद बाल काले बाल हो ही नहीं सकते बिना रंग लगाए। मैं बोला रंग लगाऊंगा, रंग नहीं लगाऊंगा, सफेद बालों काले बालों को सफेद करके बताऊंगा, तब तक मेरे बालों को रंग नहीं लगाऊंगा, तब तक लगा था। आप जिद आ गई, आप कोशिश कर रहा हूं कि नहीं लगाऊंगा, जरूर टकले बाल पर बाल लाके बताऊंगा, ऐसी दवाई बनाऊंगा तो ही मुझे गुरु कहना, और मैं उसकी प्रथा में हूं। तो मैं आपको कहता हूं कि ऐसा कभी भी चैलेंज लेके जीता हूं, असमर्थ नहीं जीता, आपको भी जीने नहीं देता। असमर्थ जीने वाला मेरे सामने आए नहीं, उसको पहली बात ये पढ़ाता हूं कि आप सामर्थ्य होंगे। कोई असंभव करता है कार्य तो उसे कहता है संभव है, मेरे गुरु जी मेरे पीछे खड़े हैं, और जब तक ये बात नहीं करते, जब तक उसका प्रयत्न नहीं करते, आप संसार में कोई नई सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। आप अभी निखिल चेतना केंद्र को आओ, निखिल धाम तो बन गया है, निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद आओ, तो आप जरूर बदलाहट देखेंगे, जरूर बदलाव देखेंगे कि इसमें कुछ बदलाव आया है। आज कल 15 दिन से मैं निखिल चेतना केंद्र में ही था, यहां आने से पहले एक ही इच्छा हुई कि दशमा विद्याओं के मंदिर इस साल बनने चाहिए और लक्ष्यचंडी होनी चाहिए। मैंने एक बार आपको वादा किया था कि काली का मंदिर बन गया है और उसमें काली की मूर्ति मैं आकाश से मंगवाऊंगा। माता जी का एक ही मूर्ति क्यों मंगवाते हो? दशमा विद्या मंदिर बांधो, दशमा विद्याओं की मोहन की मूर्ति भी आकाश से ही मंगवाओ ना। मैं रुक गया, मैंने कहा यही कार्य होगा, जिस दिन लक्ष्य चंडी होगी इस साल बांधूंगा जरूर, दशमा विद्याओं के मंदिर बांधूंगा और आपको बता दूंगा कि काली कहां से आती है और दशमा विद्या के मंदिर माता कहां से आती है। मैं असमर्थ व्यक्ति नहीं हूं, ना मेरे गुरु असमर्थ थे। ये संसार में असंभव ऐसा कोई कार्य नहीं है। अगर हमारा रामायण सच्चा है, महाभारत सच्चा है, तो उसमें जितने कार्य जितनी घटनाएं हुई है वो भी सच्ची है, हमारा गुरु मार्ग बताने वाला नहीं है। अगर हनुमान जी ने संजीवनी का पर्वत उठा के लाया है तो ऐसा कार्य है। कृष्ण ने अपने बहुत से अवतार लेकर 16,000 गोपिकाओं को उन्होंने अपने कृष्ण तत्व को बताया है, तो ऐसा कार्य कोई है, ऐसी साधना है, ये कार्य ये साधना गुरु जी ने कही है। केवल हमें करने की जरूरत है, हम साधना नहीं कर रहे हैं उस तीव्रता से जिस तीव्रता के साथ करना चाहिए। यही बात बता रहा था कि हम जब भी साधना के प्रति उत्कृष्ट होते हैं या जब भी हमारे में ये जिद नहीं आती, जब भी असंभव कार्य को संभव बनाने की प्रक्रिया हमारे में नहीं आती, हम कुछ साध नहीं सकते। हम हारना नहीं चाहिए, हारना नहीं सिखाया गुरु जी ने, जीतते हुए जीना चाहिए। यही कार्य उस समय हुआ था जब शिव जी को दक्ष प्रजापति जी ने कह दिया था कि वह शिव जो हाथी का चरम पहनता है, भस्म लगा लेता है, स्मशान में रहता है, नाग को लपेट कर बैठता है, उसके पास क्या है पार्वती, इसलिए मैं तेरे पति को एक को नहीं बुला रहा हूं। माता सती फिर भी अपने बाप को बाप ही समझ कर गई,
लेकिन उसने वहां उनके पिताजी ने उसका भी अपमान किया, उसका भी अपमान किया, कहा कि तुझे बिन बुलाए तो क्यों आए, मैंने जब कहा था कि तुझे ऐसे पति से शादी करना है, शादी करनी नहीं है तो तूने क्यों की। तो आज जो चल रहा है ये आजकल नया नहीं, हर बाप अपने बेटी को अच्छे तरीके से देना चाहता है और बेटी दूसरे का प्रेम करके बैठती है, ये आज नहीं उस जमाने से भी होती आ रहा है, शिव जी के जमाने से भी। और जब माता पार्वती ने कहा कि मैं आई हूं पिताजी आपके घर में, इतने वाले सारे देवताओं को आपने बुलाया है, तो दक्ष प्रजापति ने कहा तुझे पता है ये सारे देवता सुंदर अलंकार युक्त है, सुंदर है, स्वर्ण के आभूषण पहने हुए हैं, स्वर्ण सिंहासन बैठे हुए हैं, तेरा जो पति है इस पर बैठने का अधिकारी नहीं है, उसके पास कोई स्वर्ण नहीं है, वो भस्म लेपित है और वो ये अपमान सहन नहीं कर सके, वह सहन नहीं कर सके। उसने यज्ञ में कूदी डाल दिया और भगवान विष्णु से और वहां के देवताओं से कहा कि मेरे पति का अपमान करने का इसकी सजा तुम जरूर अनुभव करोगे। ये बात सभी को पता है, माता सती का शरीर लेकर जब भगवान शिव जी चले और उनके जटा से भैरव की उत्पत्ति हुई, वो कृत्य भैरव, शिव कृत्य नाम का भैरव, उसने सारे दक्षपति के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, दक्षपति प्रजापति का भी सर उड़ा दिया गया, फिर बाद में उनके क्षमा मांगने पर उनको घोड़े का सिर लगा दिया गया। ये सारी कहानी आप पुराणों में सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये सब जो हुआ माता जी के 52 टुकड़े हुए और आज 52 शक्तिपीठ बनकर आज हम देख रहे हैं, जो सारे शक्तिपीठ हैं। इसके बाद माता सती ने पार्वती का जो अवतार लिया, वो आई और शिव जी के पास बैठ गई, शिव जी से फिर भी प्रेम करती थी, शिव जी भी उनके साथ उतना ही प्रेम थे। एक दिन दोनों बैठे बातें कर रहे थे तो कहा कि एक बात आपको अगर क्रोध ना आए तो मैं एक बात कहती हूं, ऐसा शिव जी से पार्वती ने कहा। तो शिव जी ने कहा बता क्या बात, ये बात गलत है कि पिताजी ने तुम्हें उस दिन ऐसे आदमी का एक भस्म लेपित रहने वाले स्मशान में रहने वाले ये सारी बातें कही, लेकिन इनके बात कहने में तो कोई गलती नहीं है ना, सारे देवताएं स्वर्णाभूषण पहनते हैं, स्वर्णाभूषणों के साथ रहते हैं, तुम्हारे पास ऐसा कुछ ही नहीं है, उनके कहने में गलती क्या है, तुम्हारे में ऐसी विशेषता क्या है कि उनके वो कहे और तुम गुस्से में आए और मैं गुस्से में आया और तुमने उनका सिर काट दिया। शिवजी ने कहा तो तू क्या समझती है, मेरे पास स्वर्ण नहीं है, मेरे पास स्वर्ण अलंकार नहीं है, मैं निर्माण नहीं कर सकता, अरे मैं वह वैराग्यवान हूं जो इस संसार में कुछ भी कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम ये तो बताओ कि तुम इसको कैसा किस तरह कर सकते हो, मैं पारस से स्वर्ण बना सकता हूं, उसको बनाने में सालों लग जाएंगे, मैं देखने के लिए बूढ़ी हो जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी, वो तो होने वाली बात नहीं है, तुम बताओ उनके पास जितना स्वर्ण है क्या आपके पास है, उन सब देवताओं ने स्वर्ण का अलंकार आभूषण किए हैं, तुम्हारे पास है, तुम ऐसा कर सकते हो, दो बात कर सकते हो तुम, एक बात बताओ, या तो तुम दरिद्र नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो भी तुम्हारे साथ होना चाहिए और वो भी तुम्हारे भांति बनाना चाहिए कि भस्म लिपित होकर वो भी श्रेष्ठ है, ऐसा संसार को बता दें, क्यों वो लोग आभूषण पहनते और आप आभूषण क्यों नहीं पहनते। शिव जी हंस पड़े, शिव जी ने कहा तेरे में और तेरे बाप का गुण तेरे में थोड़ा आया है, अभी भी तू स्वर्ण के पीछे पड़ी हुई है, मैं क्या हूं ये चीज बता देता हूं। और उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ कर नीचे फेंक दिया, फेंक देते ही एक भैरव की उत्पत्ति हुई। भैरव को कहा कि माते तेरे माता पार्वती को बता दे कि संसार में मैं स्वर्ण को बना सकता हूं या क्षणों में स्वर्ण का निर्माण कर सकता हूं या स्वर्ण का ढेर इस कैलाश में लगा सकता हूं नहीं, ये तेरे माता को बता दे। भैरव अपनी जगह तपस्या पर बैठ गए और उन्हें आंखें मूंद ली, देखते ही देखते क्या हो गया, सारे देवताओं के आभूषण जितना भी सोना चकना था सब वो आकर कैलाश में गिरने लगे, फिर कैलाश स्वर्ण से बढ़ गया, सारे देवताओं के आभूषण चले गए, पूरे के पूरे देवताएं पूर्ण अपने अलंकारों से रहित हो गए। माता पार्वती देखते रही ये क्या स्वर्ण से अंबार भर रहे हैं, सारे आ रहा है, ये भैरव कौन है। तो शिव जी ने कहा एक मेरा छोटा सा बाल जिसे स्वर्णाकर्षण भैरव कहा गया है, वहां बैठा है कि संसार का सारा स्वर्ण आकर्षण करके बोले यहां लाकर डाल सकता है, तो देख ले अब तो तेरे कौन से भी सारे देवताओं को बुला ले आज और उनका हाल देख ले। माता पार्वती ने स्वर्ण किया, भगवान विष्णु ब्रह्मा सरस्वती महालक्ष्मी सब लोगों को देखा, सब लोग स्वर्ण रहित है और इसने सभी को स्वर्ण यहां मंगवा लिया। शिवजी ने कहा मैं वैराग्यवान, मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए, स्वर्ण को मैं एक मिनट में उत्पत्ति कर सकता हूं, एक मिनट में ढेर के साथ निकाल ले सकता हूं, ये तेरे पिता का और तेरा ये गलत धारणा है कि मेरे पास मैं स्वर्णवान नहीं हूं, मैंने तो इसका परित्याग किया,
मैं शमशानवासी हूं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं उन लोगों को देखकर मुझे आश्चर्यचकित होना पड़ता है कि उनको ही राक्षस कहा जाता है। केवल उन्हीं को राक्षस कहा जाता है जो बार बार आकर यह पूछता है कि अपनी पुण्य तपस्या का फल पूछता है कि मुझे मृत्यु ना प्राप्त हो। हर राक्षस ने यही पूछा, लेकिन कोई संत महात्मा या कोई देवता ने यह बात नहीं पूछी कि हम मृत्यु को जीते। कभी उन्होंने मृत्यु, क्योंकि यह सत्य है संसार में, जो पैदा हो वो मरेगा, जातस्य मरणम ध्रुवम। संसार का सबसे बड़ा सत्य है कि हम मृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं, और इसे ही असतो मा सत्यमया। तुम इस भूल में पड़े हुए हो, सोना कमा रहे हो, अधिकार कमा रहे हो, लेकिन तुम्हें एक दिन ये खोना है, क्योंकि तुम शरीर को खोने वाले हो। इस सत्य को जो जानकर काम करता है वो संसार का सर्वश्रेष्ठ आदमी है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है, लेकिन जो इसके पीछे पड़ा हुआ है वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पीछे पड़ने में ना अधिकार है ना कुछ नहीं है। उसको संभालने में, पहले तो कमाने में कष्ट का दिन गवाता है, बाद में उसको संभालने में दिन गवाता है, बाद में उसके पीछे चोर पकड़े जाते हैं तो उसके पीछे कमाता है, फिर उसके जीवन में ये कभी नहीं बढ़ता, ये घर में अकेला बैठ जाता है, घर में अकेला हो जाता है। अपने बाप बेटे और बच्चों को भी कहता है, पत्नी को भी कहता है, तू बाहर मत जा, गहने डाल के चोर उठा के ले जाएगा। बेटे को बोला, तू बाहर मत जा, तेरे किडनैप करके पैसे ले जाएंगे। अब ये कहीं का स्वतंत्र ना परतंत्र रहा, घर में बैठ गया। ऐसा सोना किस काम का, ऐसा धन किस काम का, जहां हम स्वतंत्र से जी ना सके। हम जिए तो ऐसे जिए जैसे शिव जी जीते हैं, हम सोने की सृष्टि कर सके, हम अधिकार को ला सके, लेकिन वैसे ही वैराग्यवान होकर जी सके। कुबेर जो धनाध्यक्ष है, केवल शिवजी की कृपा से कुबेर धनाध्यक्ष हुआ। ऐसा कहने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम असमर्थ भी ना जिए और समर्थ हम कहलाए भी। हमारे में एक क्षमता हो कि हम धन की सृष्टि भी कर सके, लक्ष्मी को कमा भी सके, सरस्वती को कमा भी सके, और उसे छोड़ भी सकने की शक्ति रख सके, उसे सामर्थ्यवान कहा गया। और जब तक हम सामर्थ्यवान नहीं होते, हम किसी एक गुरु के शिष्य कहलाने के लायक नहीं है। हम अगर गुरु के शिष्य लायक कहना चाहते हैं तो हम सामर्थ्यवान बन के बताएं। हम 10 लोगों को खाना, 100 लोगों को खाना खिला के बताएं, 100 लोगों को आश्रय दे के बताएं, 100 लोगों को पाल के बताएं, तब हम असामर्थ्यवान। हम असमर्थ जीवन जीने के आदि हो गए हैं, हम अपने आप में जीने के आदि हो गए हैं। आप समझते हो कि हमने गुरु को कुछ देना है, हमने गुरु को ये दिया है, वो दिया है। तुम गुरु को कुछ नहीं देते, गुरु को चाहिए भी नहीं तुम्हारा। गुरु केवल तुम्हें कब पूछता है कि जब तुम्हारे पर संकट आता है इसको पता चला, तो गुरु कहता है कि तू ये दान कर दे, तेरी श्रेष्ठता होगी, तू ये पूजा कर दे। वो पूजा तुम गुरु के लिए नहीं कर रहे हो, तुम उनके लिए कर रहे हो कि तुम्हारे भलाई के लिए। उसे क्या खाने को नहीं मिलता? अरे वो तो वो आहारी का विद्या भी जानता है, वो गुरु जो बिना भूखे एक महीना नहीं 10 साल तक जी कर जिएगा, वो खाने के लिए भी नहीं तड़पता, और वो नंगा रहने के लिए भी तड़पता नहीं, एक धोती बस है उसके लिए, तो जिएगा। वो जंगल में भी जी सकने की क्षमता रखता है, उसे तुम क्या दे सकोगे? वो कभी काम मांगता है, कभी किसी आश्रय के लिए मांगता है, तो केवल तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे संकटों का निवारण करने के लिए। चाहे अर्जुन हो, जब तक शिष्य गुरु को मांगता रहेगा, मेरे दृष्टि में शिष्य की परीक्षा होती रहेगी। और जिस दिन शिष्य मांगना बंद कर देगा, उस दिन वो सारे संकटों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उस दिन गुरु की इच्छा शिष्य पर काम करती है। उस दिन गुरु शिष्य पर काम करने लगता है, और गुरु चाहता है कि शिष्य को मैं किस तरह बनाऊं, किस तरह ढालूं, उसे क्या बनाऊं। और जब तक आप पूछते रहते हो, वही कुम्हार का घड़ा है, अगर घड़ा कहे कि भाई यहां मत मारो, यहां मारो, तो घड़ा ठीक नहीं बनता, टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। और वही घड़ा मारने वाला अगर कुम्हार ठीक तरह से मारता है तो घड़ा ठीक बन जाता है। एक कुम्हार की इच्छा पर छोड़ दें तो घड़ा ठीक बनता है, अगर घड़े की इच्छा पर छोड़ दे तो कुछ ना कुछ उसमें खटाई जरूर आएगी, वो टेढ़ा बनूंगा बन जाएगा। या तुम शिष्य घड़ा है तो गुरु कुम्हार है, तो जोर सहने की क्षमता रखनी चाहिए। हमें महान बनने की क्षमता रखनी चाहिए, तो हमें गुरु की चोट को सहने की शक्ति देनी चाहिए, वहां हमें मांगने की नहीं। अब छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर उस दिन मां सीता उस हरिण को देखकर स्वर्ण के हरिण को देखती और राम को यह बात नहीं कहती कि उसे लाने जाओ, तो रामायण नहीं होता। केवल उन्होंने इच्छा की कि वह स्वर्ण के हरण चाहिए, आज यह सारी चीजें खड़ी हो गई, सारा रामायण हुआ। उसी तरह शिष्य जिस दिन मांगना आरंभ कर देता है, शिष्य गुरु उसकी परीक्षा लेना आरंभ कर देता है, वो उस हरण के पीछे भागता है, मैं तेरे को लाने के लिए जा रहा हूं, तेरे लिए साधना कर रहा हूं, ये गुरु कहता है। और वो गया, इधर शिष्य अकेला पड़ गया। शिष्य अगर उसके सामने बैठा हुआ है, जो आपकी इच्छा है, मैं केवल गुरु के सामने बैठकर आज भी आपको कहता हूं, यथा योग्यम तथा करो, यथेच्छ से तथा करो, परिमाओं पर सत्कृपा करो। हे प्रभु, आपकी जो इच्छा है वो करो,
आप जो योग्य समझते वो करो, लेकिन इतने करो कि मुझ पर आपकी सत्कृपा बनी रहे। आज आपके सामने मैं बैठा हूं, और जब तक ये नहीं होता, जब तक हम संसार में इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम असमर्थ ही कहलाए जाएंगे। मुझे केवल 15 दिन पहले किशोर ने फोन करके पूछा था, बुरी एक्सीडेंट मौजा में करेंगे। वैसे तो साल भर से कर रहा है, लेकिन मैं भी टालते हुए आ रहा हूं, मैं भी टालते हुए आ रहा हूं। उनके सोमनाथ, राजू सोमनाथी भी आए थे, वो भी आए थे, और मौजा के सारे लोगों को पूछने के बाद मैंने किशोर से कहा तो पहले मौजा के साधकों को पूछ ले कि क्या वे शिविर चाहते हैं। केवल 15 दिन के पहले की बात, और मैंने केवल उसको फोन पे ही कह दिया था कि शिविर होगा तो कब करेगा, मुझे तो समय नहीं है, 4 तारीख एक बनती है, अगर उस दिन करना चाहता है तो मैं शिविर के लिए आऊंगा। आपको सबको पता होगा, अगर आपको पॉम्पलेट आए हैं तो केवल 15 दिन पहले ही आए होंगे, उससे पहले शिविर का निर्णय भी नहीं हुआ। और आज 15 दिन के अंदर अंदर आपने देखा ये सारी चीज आपके सामने खड़ी है, और ये शिविर हो रहा है। ये शिष्य की परीक्षा ही नहीं, शिष्य की वह श्रेष्ठता है कि वह गुरु को अपने तृप्त कर सके, गुरु की कृपा को प्राप्त कर सके। और एक बार गुरु की कृपा प्राप्त हो गई, उसको बाद उसको पूछना नहीं पड़ता। और जो गुरु कृपा प्राप्ति के बिना कुछ पूछता है तो संसार में कभी भी पूछता ही रह जाएगा। यही विधान अगर सीता रामचंद्र के जीवन में होता है, लक्ष्मण के जीवन में होता है, हनुमान जी के जीवन में होता है, तो आप सभी के जीवन में भी होगा ही होगा। आप केवल एक गुरु के ऊपर छोड़ दो, गुरु के चरणों में आपका सर रख दो, गुरु जानता है आपको क्या करना है। गुरु इतना ये नहीं है आपको लेके बैठने वाला, गुरु इतना मूर्ख नहीं है, वो अगर बैठा हुआ है तो आपको हर क्षण देखते, हर पल देखते रहता है। केवल आपको ये देखता है कि आपको आप गुरु से क्या चाहते हो, और जिस दिन गुरु से कुछ नहीं चाहते उस दिन वो घड़ा अच्छा बनेगा ही बनेगा, और वो अमृतमय घड़ा होगा, ना उसके लिए जिएगा तो 10,000 लोगों के लिए जिएगा। मैं आज इस स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना यहां देने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य था। मैं जब 1-2 साल पहले किशोर और बहुत सारे लोग आए थे और मौजा की विशेषता के बारे में पूछ रहे थे, यहाँ के मंदिरों के बारे में, तो जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त है मैं उस ज्ञान से देखा और कहा कि यहाँ स्वर्णाकर्षण भैरव का मंदिर होना चाहिए। आज भी मैंने सुबह आने के बाद यहाँ के महान भवपंथी लोगों को भी पूछा, और उन्होंने कहा कि हम कृष्ण भक्त हैं, हम कृष्ण को ही देव मानते हैं। उसके बाद मैंने इनसे भी पूछा, किशोर से भी पूछा, तो किशोर ने कहा कि यहाँ केवल हनुमान जी की मूर्ति है और हनुमान जी ही देवता है। मैंने कहा यहाँ भैरव जरूर है जिसे स्वर्णाकर्षण भैरव कहा गया। मैं कल से इसी दुविधा में पड़ा हुआ हूं कि आज तक हमने हनुमान जी को हाथ जोड़े खड़े हुए देखा है, गला पकड़े वीर हनुमान को देखे हुए खड़े हुए देखा है, और संजीवनी पर्वत को लेके हुए वीर हनुमान को देखा है, लेकिन ऐसे हनुमान जी को नहीं देखा जो दोनों हाथ आगे पसारे हुए। यहां के हनुमान जी की मूर्ति उसी तरह है। जब इसके पीछे का कारण मैं ढूंढने गया कि हनुमान जी इस मुद्रा में कब थे, इस मुद्रा में कब थे, तो आपको इसका उदाहरण बता रहा हूं। यह उदाहरण उस समय का है जिस समय स्वर्णाकर्षण भैरव सारे स्वर्ण को निगल ले रहे थे, सारे स्वर्ण को, सारे देवताओं के स्वर्ण उतार रहे थे, तो केवल हनुमान जी के शरीर के ऊपर से स्वर्ण नहीं आ रहा। वे राम भक्त थे, वे भी तो कोई ऐसे आदमी वैसे आदमी तो नहीं थे। तो वो ध्यान में बहुत देर बैठे रहे और देखा कि सारे देवताओं से स्वर्ण आ गया है, लेकिन एक देवता है उसके साथ स्वर्ण नहीं आ रहा। उन्होंने शिवजी की तरफ देखा तो शिवजी हंसे और बोले, अरे मैं भी तो रुद्र हूं, वो हनुमान भी तो रुद्र है, वहां से स्वर्ण मंगा लगा तो कैसा होगा कैसा। तो भैरव ने कहा कि प्रभु मेरी शक्ति हनुमान जी के सामने कम पड़ती है, मेरी शक्ति हनुमान जी के सामने कम पड़ती है, हनुमान जी के स्वर्ण में नहीं उतार सका। तो शिवजी ने कहा जा उसके पास जाकर बोल कि मैंने शिवजी के सामने यह प्रतिज्ञा ली है कि संसार का सारा स्वर्ण आकर्षित करके मैं कैलाश में जमाना चाह रहा हूं, और जमा रहा हूं जबकि आपका स्वर्ण नहीं आ रहा है। वे आए और हनुमान जी उस समय पूजा में बैठे हुए थे, तब स्वर्णाकर्षण भैरव ने आकर हनुमान जी को नमस्कार किया।
हनुमान जी को नमस्कार करके कहा कि सारे संसार का स्वर्ण मैंने मंगवा लिया है, आपके शरीर पे से स्वर्ण नहीं आ रहा है। तो बोले हनुमान जी पहले एक काम करने से पहले आ जा मेरे साथ, तो थोड़ा लड़ाई कर लड़ ले, जो जीता वो स्वर्ण उसका, कैलाश का स्वर्ण या तो मैं मंगवा लूंगा या मेरा स्वर्ण तू मंगवा ले। और हुई बात यह कि दोनों का युद्ध हुआ और केवल महारुद्र कहने के कारण हनुमान जी वे उस चीज को नहीं ले जा सके। सत्य युग में यहां सोना था, उसके बाद त्रेता युग में यहां चांदी थी, द्वापर युग में यहां तांबा था और आज इसके युग में कोयला और मंगनी से यही काला सोना है। और ये प्रभु की लीला है कि यहाँ वो स्वर्णाकर्षण भैरव आज भी है, यहाँ की जितने भी हनुमान जी यहाँ स्वर्णाकर्षण भैरव है और लोग उसी के ऊपर जीते हैं। और इस स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना जिसने की, अगर इस महोदय या यहाँ के प्रांत में किसी का सोना गया, अगर वो उस हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं तो ही स्वर्ण प्राप्त हो गया, स्वर्णाकर्षण भैरव की प्रार्थना नहीं करते तो नहीं होगा। मैंने अगर आपको पता है तो किशोर से कहा था कि यहाँ का हनुमान जी का मंदिर बन जाए, यहाँ भैरव का मंदिर बने, यहाँ वही राज्याधिकार करेगा, ये मैंने बात कही थी, आप उससे पूछ लेना। सोमनाथ जी भी, राजू सोमनाथ देवी जी थे, मैं जिस समय ये बात कर रहा था मुझे उस दिन से लगा कि यहाँ स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करवानी चाहिए। यह कार्य आज पहली बार नहीं कर रहा हूं, एक आज जो पटना कहा जाता है, जिसे गया हम बिहार की राजधानी बताते हैं, उस पटना में भी हर्षवर्धन नाम के एक राजा हो चुके। हर्षवर्धन एक ऐसे राजा थे कि जिन्होंने हारना कभी सीखा नहीं था, वे शिव और विष्णु दोनों के भी भक्त थे। उन्होंने जीवन में इतना कुछ जीता, इतना कुछ सब कुछ किया कि उनके पास धन का भंडार लगा हुआ था। तो ये जब धन का भंडार लगा हुआ था तो वे चाहते थे कि संसार में मैं चक्रवर्ती तो प्राप्त करूं, हर्षवर्धन को चक्रवर्ती भी कहा गया। लेकिन उनको एक बौद्ध सन्यासी ने आकर कहा कि तू ये सोना लेकर क्या करेगा, उन्हें पूछा गया। तो हर्षवर्धन ने कहा क्या करूंगा, सारे संसार में मेरे राज्य को बढ़ाऊंगा, स्वर्णमय बनाऊंगा, इसे सब कुछ देकर सब कुछ श्रेष्ठता को प्रदान करूंगा, मैं श्रेष्ठ हूं इतना स्वर्ण कमा सका। तब बुद्ध जी ने कहा तुझे याद है और तू कितने दिन जिएगा। हर्षवर्धन ने कहा क्यों नहीं जीता, मुझे तो कोई मारने वाला है ही नहीं, इस घमंड से चूर हो वह बातें कर रहा था। और बुद्ध जी ने उसकी मृत्यु उसको बता दी, उस बौद्ध सन्यासी ने, वो एक मिनट के लिए हताश हो गया कि मैं भी मरने वाला हूं, तो ये सारी चीजें कमाया किस लिए। उसने इन चीजों को सब में बांट लेने की प्रक्रिया, मैं इसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं दे दूंगा, मैं भी सन्यासी हो जाऊंगा, ऐसा उसने निर्णय लिया। मोक्ष चाहता था, मोक्ष के मार्ग पर जाना चाहता था। तब वहां दोनों सन्यासी आए, एक बौद्ध सन्यासी थे, एक सनातन धर्म के सन्यासी थे। तूने कहा आज तक तुझे जो पाप धोया है वो प्रजा के लिए धोया है, ये ढोता रहकर राजा बनकर रहेगा या सन्यासी बनकर सबसे छूट कर भाग जाएगा। सन्यासी बनना अपने लिए है और राजा बनना प्रजा के लिए है। समाज में किस तरह जीना चाहिए, अपने लिए हम जीना चाहिए या औरों के लिए जीना चाहिए, ये हम सोचना चाहिए। अगर सभी सन्यासी हो गए तो उसका अर्थ क्या, और सन्यासी का अर्थ गुरु जी के वचनों में सत्य का न्यास करने वाले को ही सन्यासी कहा गया है, बल्कि काषाय वस्त्र धारण करने वाले को सन्यासी नहीं कहा गया, बाल निकाल देने वाले को सन्यासी नहीं कहा गया। जो सत्य का न्यास, शिलान्यास का मतलब स्थापना करना, शिला की स्थापना करना, वैसे सत्य की स्थापना जो अपने शरीर में करता है उसे सन्यासी कहा गया। और सत्य की स्थापना करने वाले कितने लोग हैं, और केवल सत्य की स्थापना मेरे जीवन में एक ही है कि वो आदमी जो जानता है कि मैं कल मरने वाला हूं वो कभी पाप नहीं करेगा, और जिसको ये आशा है कि मैं जीऊंगा, मेरा बेटा जिएगा, मेरे दादा पोते जिएंगे और वो धन कमाने के पीछे लग जाएगा, तब उसे ही दुख का कारण बन सकता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम मत कमाओ, कमाओ, लेकिन समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारा कर्म समाज के लिए चाहिए, तुम अगर कर्म नहीं हो जाओगे तो इस संसार का उद्धार नहीं होगा। आज भारत क्यों बटा, भारत के ऊपर छोटे छोटे राजाओं ने क्यों राज्य किया, क्यों चाणक्य ने शपथ लेकर भारत को उस जमाने में उसकी रक्षा की, केवल इसलिए कि वो औरों के लिए जीते थे, अपने स्वयं के लिए नहीं।
मैं ये बात पहले भी आपको बता चुका हूँ। और गुरु जी का केवल मार्ग में अपनाने का एक ही कारण पहले से भी बताता हूँ, गुरु जी ने कभी अपने लिए जीने की प्रक्रिया नहीं सीखी। आपका साधना का फल उसी वृक्ष के समान है जो आने वाले कल को फल देगा, आने वाले कल को आश्रय देगा, यह साधना कहलाती है। और तपस्या, कुंडली जागरण या आपका योग आपके लिए काम करता है, औरों के लिए नहीं। आपकी शरीर की पुष्टता के लिए काम करता है, लेकिन साधना वैसी चीज नहीं है। साधना वो बीज है, वो वृक्ष है, जो आज तुम गाड़ोगे तो उसके आश्रय पर पशु पक्षी बैठेंगे, उस आश्रय के नीचे 10 लोग बैठेंगे, उसके फल फूल 10 लोग खाएंगे। यह साधना मार्ग, यह साधक परिवार का गुरु जी की स्थापना का उद्देश्य था। तुम योग करोगे तो तुम्हारे लिए कर रहे हो, तुम्हारे पांव दर्द करे तो योगासन डाल रहे हो, तुम्हारे आंखें नहीं नजर आए तो योगासन कर रहे हो। तुम बोलो समाज के लिए तुम्हारा योग कहां तक काम कर रहा है। तुम्हारी वो साधना, तुम्हारी वो देवता स्थापना, क्यों आज भारत में इतने मंदिर बने, भारत ही नहीं सारे संसार में, चाहे किसी भी देवता के हो, अगर योग ही श्रेष्ठ था तो मंदिर बनाने का कारण क्या था। कारण यह था कि आने वाली पीढ़ी जान सके कि हम इसके लिए कुछ कर सके। आज कितने हजारों लाखों लोग मंदिरों पर जीते हैं, मंदिरों के सामने हम सर नवाते हैं। अगर योग ही श्रेष्ठ था तो ये क्यों नहीं होता। मैं योग बुरा है ऐसा नहीं कहता, योग तुम्हारे शरीर को सक्षम तपस्या करने के लिए सक्षम बनाता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि योग चार लोगों को हेल्प करेगा। चार लोगों को अगर सहायता देना है तो साधना का मार्ग ही केवल साधना का मार्ग है। साधना से अगर आप देवता की प्रत्यक्षता कर सकते हो, चाहे आप संत ज्ञानेश्वर जी को लो, भगवान हनुमान जी को लो, रामचंद्र जी को लो, भगवान बुद्ध जी को लो, किसी को भी लो, उन्होंने देवताओं की साधना इसलिए की, देवताओं को इसलिए प्रत्यक्ष किया कि उन देवताओं के माध्यम से चार लोगों के उपयोगी बने, चार लोगों को शरण में जीवन दिया। आज आप में भी अच्छे विचार होंगे, लेकिन आपके अच्छे विचार चार लोग क्यों नहीं सुनते, क्योंकि वो आप में आकर्षण शक्ति नहीं है। आप में वो आकर्षण शक्ति आने के लिए आप पहले ऐसी कोई साधना करनी चाहिए जिससे लोग आपकी बात सुन सके। और जब आप लोग चार लोगों की बातें सुनते हैं, सुनने के लिए आप में साधना शक्ति हो तो ही सुनते हैं, नहीं तो आप कहेंगे बकवास कर रहा है, इसकी बातें क्या सुनना है। और इस आकर्षण शक्ति के लिए भी साधना है, वशीकरण भी साधना है। क्यों? कि आपकी अच्छी बातें सुन सकें, बुरी बातें नहीं। और ये साधना में जीवन इसको सिखाता है कि हम जीवन जिए तो किस तरह की जिए, किस तरह का जीवन जिए, हम किस शत्रुओं को मारे। इन साधनी सारी साधनाओं को एक उस भैरव ने, स्वर्णाकर्षण भैरव ने देवताओं को बता दिया था कि शिव जी दरिद्र नहीं है, शिव जी सामर्थ्यवान है, उनका एक अंश इतना सब कुछ बता सकता है। तब माँ पार्वती ने उस स्वर्ण के ढेर को देखकर स्वर्णाकर्षण भैरव को कहा कि हे भैरव, अब रोग के कैलाश सोने से भर गया है, अब सोना कहाँ रखने के लिए जगह नहीं है, सारे देवता नंगे आके खड़े हुए हैं, इनके ऊपर अहंकार नहीं है, इसका कुछ कर। तब माता जी के चरणों में स्वर्णाकर्षण भैरव जी ने नमस्कार करके कहा कि माँ जो आज्ञा है शिव जी देंगे। शिव जी से पूछा गया माँ, तो उन्होंने कहा पार्वती देख, तूने कहा कि मेरे पास स्वर्ण नहीं, स्वर्ण का ढेर एक मिनट में लगा सकता हूँ, मेरे एक बाल का भैरव इतना कार्य कर सकता है। तब भैरव जी ने कहा कि मुझे आज्ञा दो क्या करना है। तो उन्होंने कहा जिनका सोना है उनको लौटा दो। सारे देवताएं सामने खड़े थे और भैरव जी ने कहा कि जिनका सोना चाहिए वो अपने अपने पास ले लो। तब सारे देवताओं ने स्वर्णाकर्षण भैरव को यह वरदान दिया कि जो तुम्हारी साधना करेगा वो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण का अधिकारी बनेगा, उसे स्वर्ण अप्सरा हो, स्वर्ण कनकावती अप्सरा हो, कनक दुर्गा हो, कनक महालक्ष्मी हो या कनक धारा हो, उसके घर में बहेगी। ये आज हम सारे देवता तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, और यही आशीर्वाद शिवजी ने दिया, यही आशीर्वाद माँ पार्वती ने दिया और सारे देवता ने दिया। यह साधना गुप्त गोपमय रही और यही साधना भगवान शंकराचार्य जी ने की और उन्हें कनक धारा की वर्षा करवाई। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने भी यही साधना की, सन्यासी जीवन में उन्होंने स्वर्ण की थाली में कुंभ मेला में खिलाया था, ये गुरु परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा है। इसमें अजामिल नाम का एक ऐसा ही दुष्ट था जो स्वर्ण को रोज अपने पास चोरी करके स्वर्ण को अपने पास लेता था। तो उस समय मैं वही बता रहा था कि हर्षवर्धन नाम का राजा था, जब ये उसने अपने सारा सोना जमा कर दिया तो उस बुद्ध सन्यासी ने उनको जब यह मोक्ष का मार्ग बताया तो एक अजामिल नाम के एक चोर ने आकर विविध रूपों में आकर उनका सारा सोना लूट कर चला गया। यह बात हर्षवर्धन को मालूम हुई तो उन लोगों ने कहा कि ये चोरी से ले लिया मेरे से, तो उस अजामिल को कैद करा तो किस तरह करना चाहिए। तब उनके पास वो कहां गया, स्वर्ण कहां रखा, कुछ नहीं। अगर या तो स्वर्ण कमाना है तो प्रजा को पीड़ित करो, नहीं तो उसके पास जो सोना गया उसको ला के लो।
तो उस समय क्या करना चाहिए, तो उनके जब सनातन धर्म के आचार्य थे उन्होंने कहा कि स्वर्णाभूषण भैरव की स्थापना करो। आज भी पटना में अगर आप जाकर देखते हैं तो मां मंगला देवी के पास बहुत बड़ा स्वर्णाभूषण भैरव मंदिर है जो शिथिल अवस्था में है। उसकी जब उन्होंने साधना की तो अजामिल को ऐसा आबद्ध करके स्वर्णाकर्षण भैरव ने उसको लेके आया और वो सारा स्वर्ण उनके पास लाके दिया। और उस मंत्र में उस दिन से वो मंत्र श्रेष्ठ हो गया जो मंत्र हर्षवर्धन राजा ने किया था। हर्षवर्धन राजा ने जिस मंत्र का उपदेश उनके आचार्य से लिया और वो साधना की, वह संसार में स्वर्णमय जीवन बिताने लगे। और आज मैं मौदा में भी इतने गारंटी के साथ कहता हूं कि यहाँ स्वर्णाकर्षण भैरव है और जो इसकी साधना करता है यहाँ नहीं नागपुर के आसपास भी, जो मैंने जैसा काला सोना का वो सच्चे स्वर्ण में सवर्ण यानी अच्छे वर्ण में बदल सकता है। आपका शरीर, आपका घर, आपकी बुद्धि स्वर्ण में बन सकती है, जिसे स्वर्ण तारा कहा गया है, जिसे नील सरस्वती कहा गया है। अच्छी बुद्धि को भी अच्छे स्वर्ण उन्हें कहा गया है। स्वर्ण सोने को जो धातु खराब नहीं होती उसे सवर्ण धातु स्वर्ण कहा गया है। अच्छी विद्या को सवर्ण विद्या कहा गया है। इसलिए जो यहां स्वर्णाकर्षण भैरव की यह साधना संपन्न करेगा वह इस संसार का वही श्रेष्ठता प्राप्त करेगा, क्योंकि वहां यहां मुझे मेरा ज्ञान जहां तक है स्वर्णाकर्षण भैरव है। और यहां हनुमान जी और स्वर्णाकर्षण भैरव जी दोनों में युद्ध हुआ था और इसमें हनुमान जी और स्वर्णाकर्षण भैरव जी ने जो उपदेश दिया, जो यहां साधना संपन्न करेगा हनुमान जी ने कहा वह स्वर्णमय बनेगा और यहां स्वर्ण के पहाड़ लग गए थे और वही आज काली सोने में परिवर्तित है। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूं कि मैं जो किशोर से बात कर रहा था तो यह साधना में यहां मैं स्वयं करने की इच्छा रखता था, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं ये साधना कामारेड्डी के पास रामारेड्डी नाम का एक स्थान है जहां बहुत बड़ा कुंड है पानी का और वहां भी बहुत बड़े ऊंचे भैरव है, वहां मैंने ये साधना 3 बार मेरे जीवन में संपन्न की। और मैंने देखा कि रात के 12 बजे से 3 बजे साधना संपन्न कराऊं तो एक जटाधारी मनुष्य आया। मैं यहाँ गुरुस्थान पर बैठा हूँ, गुरु के सामने बैठते मैं झूठ बोलने का कोई ये नहीं है, मैं सत्य बता रहा हूँ कि मैं जिस प्रसाद को भैरव जी के सामने रखा था वो जटाधारी मनुष्य वहां से आया, उसके साथ एक कुत्ता था और उसने कहा तुझे वहां तेल का पकाया प्रसाद है वो मुझे दे दे। और जिस दिन वो प्रसाद लिया आज मैं आश्रम बांधकर इतना बड़ा हूं और आज तक मैंने जो एक मामूली आदमी था इतना बाहर चला केवल साधना मार्ग से। मैंने कहा है कि मैं साधना मार्ग से बड़ा हूं, आपको भी साधना मार्ग बताता हूं मेरे अनुभव के बाद ही, मैं जब तक अनुभव नहीं करता तब तक आपको बताता नहीं हूं। और मैं जब मैं अनुभव किया कि स्वर्णाकर्षण भैरव साधना में सिद्धि है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां भी स्वर्णाकर्षण भैरव सिद्धि है, आप भी स्वर्णाकर्षण भैरव सिद्धि की साधना करें संपन्न करें। आज ये साधना कोई स्त्री कोई भी पुरुष जिस हनुमान मंदिर को आप यहां मौदा का हनुमान मंदिर कहते हैं कभी आपको हो सके तो अष्टमी के दिन, आज वही अष्टमी है, आज से इसे भी कालाष्टमी या काल भैरव अष्टमी कहा जाता है, आज स्वर्णाकर्षण भैरव का वही अष्टमी का दिन है। इसी दिन मैंने ये दिन चुनकर यहां स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना देने का प्रयत्न किया था और प्रयत्न कर रहा हूं। मैं 15 मिनट के बाद आपको स्वर्णाकर्षण भैरव का वह यंत्र वह साधना, आप यहां के हर एक साधक स्वर्णाकर्षण भैरव साधना संपन्न करके देखो, आप नागपुर के सर्वश्रेष्ठ धनिक कहलाएंगे और स्वर्ण आपके पास होगा। जितने भी आज इतने लोग मेरे सामने बैठे हैं जिसने भी स्वर्णाकर्षण भैरव साधना की है, अगले साल अगर मैं यहाँ आऊं या आप मेरे पास आए तो कहना कि आपके पास स्वर्ण नहीं है। जिनके पास नहीं भी है अगर उनके पास स्वर्ण नहीं आया तो मेरी साधना गलत है, मैं फिर मौदा नहीं आऊंगा। ये साधना में उतनी श्रेष्ठता है। मैं 15 मिनट का समय देता हूं, अब स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना सामग्री के साथ आए, उसके बाद साधना संपन्न करूंगा। गोल्डी से कहूंगा कि भजन सुनाएं।